दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान को मिली श्रीलंका के खिलाफ करारी हार के बाद भारतीय दिग्गजों ने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक और कह डाला कुछ ऐसा जिसको सुनकर पाकिस्तान ने मचा दिया बवाल। और आखिरकार भारतीय दिग्गजों ने पाकिस्तान की हार पर क्या बयान जारी किया, जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान में से कौन सी टीम परफेक्ट प्लेइंग 11 के अनुसार मजबूत है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों फाइनल मुकाबले से पहले ग्रुप स्टेज का अंतिम मुकाबला फाइनलिस्ट टीम श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में खेला गया और इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान और बर्थडे बॉय दासुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दुबई के स्टेडियम पर जहां श्रीलंका की टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम को बुरे तरीके से पटकनी देते हुए 19.1 ओवर में 121 रन पर ऑल आउट हो गई, जहां पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने सर्वाधिक 30 रन की पारी खेली तो वहीं 28 रन की पारी मोहम्मद नवाज ने खेली। श्रीलंका की तरफ से वनिंदु हसरंगा ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए तो वहीं इसके अलावा प्रमोद और महेश ने 2-2 विकेट हासिल किए। इसके अलावा आपको बता दें कि 122 रनों के लक्ष्य का पीछा करने जब श्रीलंका की टीम उतरी तो 2 रन के स्कोर पर श्रीलंका के 2 विकेट गिर गए, जिसके बाद टीम को निशंका ने संभाल लिया और अंत तक नाबाद 55 रन की पारी खेलकर श्रीलंका की टीम को 3 ओवर पहले ही 5 विकेट से जबरदस्त जीत दिलाई और पाकिस्तान को फाइनल मुकाबले से पहले गहरा झटका दे दिया। लेकिन पाकिस्तान की टीम करारी हार के बाद भारतीय दिग्गजों ने पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया और सनसनीखेज बयान जारी किया, जिसमें सुनील गावस्कर ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान की टीम का बहुत ही बेकार प्रदर्शन देखने को मिला और पाकिस्तान की टीम अगर इसी तरीके से फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए खेलने के लिए उतरेगी तो फाइनल में श्रीलंका की टीम को हरा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को खेलने के लिए उतरी थी उसे देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान की टीम है जिसने भारत को बुरी तरह से पटकनी दी थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के सामने नतमस्तक हो गई और अगर इसी तरीके से पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा तो फाइनल तो श्रीलंका के नाम हो जाएगा। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने दिखा दिया कि वो इस बार एशिया कप जीतने के लिए काफी ज्यादा मजबूत बन गई है और पाकिस्तान की टीम को जिस तरीके से इस मुकाबले में हराया है वो वास्तव में काफी ज्यादा शानदार और शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान की टीम को यह समझना होगा कि श्रीलंका की टीम काफी कमजोर टीम नहीं है, बल्कि वो इस बार एशिया कप जीतने की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने इस मुकाबले में किसी तरीके का बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया जिसके कारण पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और इसके अलावा गौतम गंभीर ने कहा कि श्रीलंका की टीम ने इस मुकाबले में काफी ज्यादा शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान को बिल्कुल भी इस मुकाबले में मजबूत होने का मौका नहीं दिया और पाकिस्तान की टीम की तरफ से मोहम्मद रिजवान के अलावा कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो टीम को जीत दिलवा सके, क्योंकि मोहम्मद रिजवान का विकेट अगर श्रीलंका के अलावा कोई भी टीम ले लेती तो उसके बाद कोई और खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता और यही कारण है कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में हार गई। और अगर इसी तरीके से फाइनल मुकाबला भी देखने को मिला तो पाकिस्तान की टीम को हारने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।